हेलो दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा BBMQ सेमेस्टर फॉर पॉलिटिकल साइंस कोर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर BBMQ कोर 10 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो उसी को मैं लेकर के आया हूँ। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ करके जाना है। इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। वो हो सकता है कि आप लोगों ने जो इसके पहले पढ़ा वो भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ रखा है इसके पहले वो आप लोग ठीक है पढ़ लिए, बट जितना मैंने क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया उतना आपको पढ़ करके ही जाना है हर हाल में, ठीक है। और मैं गारंटी के भी साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाया था। आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हाँ सर उसी से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप लोग भी विश्वास करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा, और मैंने पिछले साल को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट किया, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि डायरेक्ट मैंने उतार दिया और बोल दिया हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं होता है। चलिए, जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 5-5 मार्क्स का। इसको आपको छोटा छोटा ही समझ कर जाना, यानी कि छोटा छोटा ही पॉइंट में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत, राजनीतिक विकास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत। ये आपको 5 मार्क्स का आएगा, जो छोटा नंबर का रहेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या है, ठीक है। मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कि आपको इसका आंसर कैसे करके जाना है, बिल्कुल आसानी तरीके से मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के बारे में आपको क्या करना है, यहां पे पढ़ना है, ठीक है। आधुनिकीकरण क्या है, ये भी सब शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला दूसरा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा चलते हैं सामाजिक परिवर्तन, ये भी आपको पढ़ करके जाना है। सामाजिक परिवर्तन, ये जो तीनों का तीनों है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकते हैं 5-5 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपको किन्हीं दो लिखना होता है, ठीक है। चलिए, उसका चौथा नंबर में देख सकता है, चौथा पाँचवा छठा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इसका तारीफ किया जाए बहुत कम है, ठीक है। चौथा पाँचवा छठा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 20-20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो वो सब 5-5 नंबर वाला आपको बाद में देखना, पहले आप 20-20 नंबर वाला देख लें, ठीक है। चलिए, पहला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या करें। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, दूसरे में आधुनिकीकरण था, और आप चौथा अगर खुद पढ़ लेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या करें, तो इससे आपका दूसरा भी क्वेश्चन शॉर्ट वाला क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो पहले आपको क्या पढ़ना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या करें, ठीक है। पांचवा, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ तथा उसके निर्धारण तत्वों का वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, मेरे यूट्यूब पर मिलेगा, या तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको दोनों जगह इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर लेना, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप मैसेज करके इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति वाला, ठीक है। चलते हैं छठा की ओर, छठा क्या बोला, राजनीतिक भर्ती का क्या अर्थ है, इनके विधियों यानी कि विधियों की आलोचनात्मक विवेचना करें, ठीक है। और जो सातवां पाई के बारे में, पाई के बारे में भी आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर पांचवा अगर आप लोग देखेंगे तो उसी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा से ही रिलेटेड है पाई के बारे में, इसके बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो सातवां जो क्वेश्चन है ना ये पाई के बारे में, तो सातवां क्वेश्चन जो पाई के बारे में है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पांचवा को पढ़ेंगे तो उसी के बीच में आप लोग पाई के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर पांचवा पहले आप पांचवा देख लें, ठीक है, पांचवा से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ क्वेश्चन खत्म होने वाला है पाई के बारे में, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। तो उसको पहले पढ़ लें, और जितने सारे इसका सामाजिक परिवर्तन, राजनीति अधिकरण है, ठीक है, जितने भी सारे आधुनिकीकरण है, इस सब पर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो इसके बाद आप लोग वो सभी वीडियो देख सकेंगे जो मैंने सॉल्यूशन इसके बाद लाऊंगा, ठीक है। तो सारा सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा।